Hello class 8. Today we are going to study about ascent of sap. Ascent of sap is the upward movement of water and minerals from the roots to the upper part of the plant body with the help of xylem. First of all, the roots absorb water through the soil by the process known as osmosis, and the root absorbs the minerals from the soil either by the process of diffusion or by the process of active transport. It has already been discussed in the previous video that diffusion occurs when the concentration of the water and minerals in the soil is higher, and concentration of the cell sap in the cells of the root is low. Then simply the diffusion will take place and the mineral salts will be absorbed by the cells of the root. But when the concentration of cell sap is more inside the cells of the root, whereas the concentration of the water in the soil is low, then ATP energy is used by the cells to draw the water into it. This is active transport. Once the water and minerals are absorbed by the roots, cell-to-cell osmosis takes place, and through the cortex of the cell, ultimately the water and minerals are reached to the xylem tissue, and it conducts the water and minerals to the upper parts of the plant body. As the mineral salts get accumulated in the xylem, the water concentration gets reduced in it. This creates a concentration gradient that is strong enough to draw water and minerals to move towards the stem. The pressure developed in the roots due to continuous inflow of water helps in pushing the plant sap upwards. It is called root pressure. यानी water और minerals के लेने के बाद roots के अंदर जो cells होते हैं उनमें एक pressure developed होता है, जिसके वजह से वो एक cell से दूसरे cell तक water और minerals को flow करते हुए उसे आगे बढ़ाता है. ये जो प्रेशर क्रिएट होता है उनमें, ये कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की वजह से है, और इसीलिए इसे रूट प्रेशर कहा जाता है. ये रूट प्रेशर ही है जिसके वजह से वाटर और मिनरल्स जो है वो सेल टू सेल मूव करता हुआ जाइलम तक पहुंचता है. फर्दर ऑन, वाटर मूव्स थ्रू द जाइलम अप द स्टेम देन टू द लीव्स. दिस हैपेंस ड्यू टू द पुल क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन. इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल. ट्रांसपिरेशनल पुल को ऐसे समझते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स को पीने के लिए बॉटल में जब स्ट्रॉ लगाते हैं तो उसे आप अपने मुंह से सक करते हैं, तब कोल्ड ड्रिंक्स आपके मुंह तक जाती है. ठीक इसी तरह से प्लांट से वाटर ट्रांसपिरेशन के मदद से लॉस होता है. व्हेन the excess water which is lost through the aerial parts of the plant body, this process is transpiration. क्योंकि पानी जितना वो absorb करता है उसका 1% ही सिर्फ photosynthesis में use करता है, तो बाकी के waters को वो water vapor के रूप में अपने aerial parts से वो उसे evaporate करवाता है. इस process को transpiration कहते हैं. Transpiration के वजह से water जो loss होता है plant body में, तो वहां एक सक्शन फोर्स क्रिएट होती है, एक पुल क्रिएट होता है जिसके वजह से वो नीचे से पानी को खींचता है. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशनल पुल कहते हैं. वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स आर कंडक्टेड अपवर्ड्स थ्रू द जाइलम टू अदर प्लांट पार्ट्स सच एज द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेल सैप विच कंटेन्स वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड द ascent of sap.
वाटर और मिनरल्स इस तरह से जो रूट्स ने अब्सॉर्ब किया है, वो जब ऊपर के तरफ जाइलम उसे ले जाता है और ले जाकर स्टेम, लीव्स, फ्लावर सब जगह उसे बांट रहा है, तो ये जो नीचे से ऊपर तक वाटर अलोंग विद द मिनरल्स मूव कर रही है, इसे ही एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो पूरे प्रोसेस को अगर समरी के हिसाब से समझा जाए, तो सबसे पहले वाटर और मिनरल्स रूट ने अब्सॉर्ब किया, उसे जाइलम तक पहुंचाया, जाइलम ने उसे ऊपर एसेंट ऑफ सैप किया। अब रूट्स में क्या हो रहा था, रूट प्रेशर के वजह से सेल टू सेल ऑस्मोसिस हो रहा था, जिसके वजह से वाटर और मिनरल्स जाइलम टिश्यू तक पहुंच पाई। वहां से वाटर और मिनरल्स ऊपर कैसे पहुंचा, तो ट्रांसपीरेशन के वजह से जो सक्शन पुल क्रिएट हुआ, ये पुल के वजह से नीचे से फिर वो जाइलम वेसल अगेंस्ट ग्रेविटी वाटर और मिनरल्स को वो ऊपर की तरफ खींच ले रही है, ले जा रही है, ये ट्रांसपीरेशन पुल है, और ले जाकर वो उसे डिफरेंट पार्ट्स में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में पहुंचा रही है। बिकॉज वाटर फॉर एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी लिविंग सेल ऑफ द प्लांट बॉडी। इस तरह से ये एसेंट ऑफ सैप कंप्लीट होता है। यहां एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस रीड इट टू अंडरस्टैंड हाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम। प्रोसीड्यूर: Take a soft twig of a flowering plant and put it in a beaker containing water. Add a few drops of red ink to the water. Leave the twig in the water for half an hour. After half an hour, cut a thin slice of the stem and keep it on a glass slide. Put a few drops of water on the slide and observe it under a microscope. You will observe that only the xylem was stained with ink. So conclusion is that water is transported through the xylem. बोलना चाह रहा है कि आप एक कोई भी flowering plant का एक टहनी ले लीजिए, वो टहनी को आप एक बीकर में डालिए जहां पर पहले से आपने water डाल रखा है। इसके बाद उस वाटर में कुछ रेड इंक पोर कर दीजिए, तो वाटर का रंग लाल हो जाएगा। इस तरह से उसे आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आप स्टेम, उस ट्विक के स्टेम को कोई भी एक पार्ट से स्लाइस करिए और उसे ग्लास स्लाइड में रखकर एक दो ड्रॉप वाटर डालकर स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखिए। आप देखेंगे कि सिर्फ जाइलम में ही जो रेड कलर का आपने सॉल्यूशन बनाया था, वो जाइलम रेड दिखेगा आपको, फ्लोएम नहीं दिखेगा। फ्लोएम अपने ओरिजिनल नॉर्मल कलर में ही रहेगा, जाइलम रेड हो जाएगा। तो ये जाइलम रेड कैसे हुआ, because it has taken the solution, red solution from the beaker and has transported the water to the upper part of the twig. तो इस तरह से हम लोग xylem को study कर सकते हैं और ascent of sap समझ सकते हैं। Now transpiration and absorption. All the water absorbed by the roots is not consumed by the plant. The extra water is given off in the air as water vapor through the stomata present on the lower epidermis of the leaves. The loss of water in the form of water vapor through the stomata of the leaves and other aerial parts of the plant is called transpiration. Besides the stomata, transpiration also occurs through lenticels, which are tiny pores on the surface of stems, and the cuticle, which is the waxy layer found on leaves.
देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपीरेशन. As water is lost through transpiration, more water is absorbed as more water is required. This creates a suction pressure which pulls up water from the xylem of the roots to the stem and then to the leaves. It is called transpiration pull. Thus, the amount of water in the roots gets reduced. In turn, the water from the surrounding soil passes on to the root hair cells by the process of osmosis and the cycle continues. जो पानी रूट एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रही है वो पूरा पानी प्लांट यूज नहीं करता. अभी अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के लिए जितना पानी वो एब्जॉर्ब करता है लगभग उसका 1% ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है. तो बाकी के एक्स्ट्रा वाटर का क्या करेगा वो? तो बाकी का एक्स्ट्रा वाटर प्लांट उसे भाप बनाकर अपने एरियल पार्ट से यानी जमीन के ऊपर का पार्ट से वो उसे रिलीज कर देगा. इसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं. ट्रांसपीरेशन तीन जगहों से होता है, स्टोमाटा से, लेंटिसल से, क्यूटिकल से. इसीलिए ट्रांसपीरेशन को भी तीन अलग अलग नामों से बुलाया गया है, स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन और क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन. स्टोमाटा पत्तों में पाया जाने वाला छोटे छोटे पोर्स है जो कि वेंट्रल साइड में ज्यादा और डॉर्सल साइड में कम होता है. तो स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन सबसे ज्यादा होता है. दूसरा जो पार्ट है वह है लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन जो लेंटिसेल से होते हैं. लेंटिसेल्स टाइनी पोर्स हैं जो वुडी स्टेम्स में पाए जाते हैं और स्टोमाटा ओपन और क्लोज हो सकता है लेकिन लेंटिसेल्स ऑलवेज ओपन होते हैं, ये क्लोज नहीं होते बिकॉज दे आर डेड सेल्स. क्यूटिकल, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन में क्यूटिकल के मदद से ट्रांसपीरेशन होता है. पत्तों के ऊपर एक वैक्सी लेयर है जिसके वजह से वो चिकना दिखता है, ये क्यूटिकल है. क्यूटिकल से ट्रांसपीरेशन सबसे कम होता है. तो सबसे ज्यादा स्टोमाटा से और सबसे कम क्यूटिकल से. तो ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं यहां से ट्रांसपीरेशन होती है जिसके वजह से एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट वाटर को लॉस करता है, एक्सेस वाटर को लॉस करता है और ये एक्सेस वाटर लॉस होने की वजह से पर्टिकुलरली अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होती है जिससे वो नीचे रूट से वाटर और मिनरल्स को ऊपर की तरफ खींचता है. इसे ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं. एक बार वाटर रूट से ऊपर की तरफ जब पहुंच जाए तो ये प्रोसेस जिसमें वो ऊपर की तरफ जा रहा है ये एसेंट ऑफ सैप कहलाता है और इसके तरह इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपीरेशन में एक रिलेशन मेंटेन होता है. कभी कभी ये दोनों रेट सेम होती है और कभी कभी ये रेट डिफर करती है. जैसे सुबह के समय और शाम के समय, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, आप देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ज्यादा और ट्रांसपीरेशन कम होता है जिसके वजह से लीव्स जो है वो टाउट होते हैं, टर्जिड होते हैं और ज्यादा फ्रेश नजर आते हैं. लेकिन अगर दोपहर के समय आप देखें, इन द आफ्टरनून, तो आप देखेंगे कि पत्ते मुरझाए होते हैं और पेड़ जो है वो थोड़ा सूखा सूखा सा नजर आता है क्योंकि वहां ट्रांसपीरेशन रेट बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. तो ट्रांसपीरेशन और एब्जॉर्प्शन में इस तरह से एक डायरेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन होती है. पत्तों से वाटर का ज्यादा रिलीज हो जाने की वजह से लीव्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं, फोल्डेड हो जाते हैं. इस प्रोसेस को विल्टिंग कहते हैं. सो ड्रूपिंग डाउन ऑफ द लीव्स ड्यू टू मोर ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड विल्टिंग, मुरझा जाना. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स ट्रांसपीरेशन रेट को प्रभावित करते हैं. Thank you.